राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा बीते 12 दिसंबर को नारी शक्ति के नाम रही। इस दिन प्रियंका गांधी से लेकर राहुल की भांजी मिराया तक भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई, लेकिन सबका ध्यान राहुल के साथ हाथ पकड़कर चल रही इस महिला ने खींचा, जिसके बाद सवाल ये उठने लगा कि आखिर ये महिला कौन है जो लगातार राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शरीक हुई। साथ ही काफी दूर तक पद यात्रा में राहुल से बातचीत करती दिखाई दी। दरअसल महिला है कांग्रेस लीडर रुक्मिणी कुमारी। राजस्थान की सियासत में रुक्मिणी कुमारी जाना पहचाना नाम है। रुक्मिणी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदस्य है और साथ ही ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की राजस्थान यूनिट की अध्यक्ष है। वो स्टार फाउंडेशन नाम से अपना एक एनजीओ भी चलाती है जो ग्रामीण महिलाओं और बच्चों की बेहतरी के लिए काम करता है। इन सब के अलावा रुक्मिणी कुमारी की एक और पहचान है, बता दें वो राजस्थान के चौमू राजघराने से ताल्लुक रखती है। चौमू राजघराने का राजस्थान में काफी मान सम्मान है। चौमू एक विधानसभा सीट है जिस पर पहले कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में ये सीट बीजेपी ने हासिल कर ली। कहा तो ये भी जा रहा है कि यात्रा के दौरान रुक्मिणी ने चौमू क्षेत्र का मुद्दा उठाया और पदयात्रा करते हुए क्षेत्र की समस्याओं को लेकर राहुल से कई देर तक बात की। उधर इस बातचीत का वीडियो सामने आने के बाद इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या कांग्रेस इस सीट से रुक्मिणी कुमारी पर दांव लगा सकती है। रुक्मिणी के पति मेजर आदित्य सिंह ने सेना में कई सालों तक सेवा की। वो 2011 में कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए। बताते चले राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले रुक्मिणी कुमारी एक बार फिर चर्चाओं में आ गई है। रुक्मिणी का यू दिग्गज नेताओं के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना और राहुल के साथ कदम से कदम मिलाना कई कयासों को जन्म दे रहा है। वे विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में चल रही ये भारत जोड़ो यात्रा काफी मायनों में अहम हो जाती है।